आज हम बनाएंगे अपना बैंड। अरे ये तो गिटार है। ये डैड का इलेक्ट्रिक गिटार है, मुझे ये स्टोर साफ करते वक्त मिला। अच्छा तो डैड इलेक्ट्रिक गिटार भी बचाते थे मॉम? डैड को देखकर तो नहीं लगता कि वो इलेक्ट्रिक गिटार भी बचाते होंगे। पता है मसाओ, तुम्हारे डैड पहले एक रॉक बैंड में थे और उन्होंने मुझे बताया कि लोग उनके बैंड को बहुत पसंद करते थे। मैंने कई बार उनसे कहा कि ये गिटार बजाकर सुनाए, पर उनके पास टाइम ही नहीं होता। अरे मेरे डैड रॉक बैंड में थे, ये तो अच्छी बात है। पहले मैं भी रॉक बैंड में होना चाहता था, लेकिन बाद में मुझे लगा कि ये काम मुश्किल है और मैं ये नहीं कर पाऊंगा। ऐसा नहीं है, मेरे डैड अगर ये काम कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। अरे मैं तो एक बहुत ही जबरदस्त रॉक स्टार बन सकता हूँ जो दुनिया भर में छा जाएगा। मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी होगी बस, और मेरा सपना पूरा हो जाएगा। और जब उसे पता चला तो वो जोर जोर से रोने लगा। ये तो बहुत बुरा हुआ। क्या सच में? मुझे इस रास्ते की बजाय किसी और रास्ते से जाना चाहिए। अब देखता हूँ कि मेरे दोस्त कहाँ पर हैं। शिनचैन, अरे तुम क्या कर रहे हो? फिशिंग। तुमसे कितनी बार कहा मेरी दीवार पर मत खेलो। अरे तुम इतनी अजीब अजीब हरकतें क्यों करते हो? क्योंकि मैं इकलौता हूँ ना। तुम्हारे पीछे ये क्या है मसाओ? ये है इलेक्ट्रिक गिटार। ये क्या भी उड़ेगा? नहीं शिनचैन, ये बहुत अच्छा है। मेरे डैड का है। वैसे तुम्हें देखकर लगता है कि तुम किसी बैंड में हो। मैं अच्छे बच्चों की मदद करता हूँ। मैं हूँ बैंडमैन। लगता है तुम समझे नहीं। हे, क्या हम सब साथ मिलकर एक रॉक बैंड बनाएं? क्या? अरे वाह, आइडिया तो अच्छा है। और मेरे पास एक वायलिन भी है। मेरे पास बांसुरी है। मेरे पास तो एयर गिटार है। शिनचैन सबको बोर कर रहा है। अरे सुनो दोस्तों, हमें रॉक बैंड बनाने की तैयारी करनी चाहिए। ऐसा करते हैं, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हमारे पास नहीं है वो हम गत्ते से बना लेंगे। हाँ सही कहा, आइडिया अच्छा है। मेरे घर में बहुत से गत्ते के बॉक्सेस हैं। तो चलो शिनचैन के घर चलकर अपने बैंड की शुरुआत करते हैं। हाँ ये अच्छा रहेगा, मजा आएगा। ठीक है तो मेरे घर चलते हैं। मुझे लगता है इतने काफी रहेंगे। आंटी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धीरे धीरे बनाना और कचरा साफ कर देना। हाँ ठीक है। अच्छा मैं शॉपिंग पर जा रही हूँ और हिमा बारी को अपने साथ ही ले जा रही हूँ। ठीक है? ठीक है मैम। ये सब बच्चे मिलकर गत्ते से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बना रहे हैं और सोच रहे हैं कि भविष्य में अपना एक मशहूर बैंड बनाएंगे। वैसे देखा जाए तो ये काम थोड़ा मुश्किल है। सुनो शिनचैन, क्या तुम मुझे वो टेप काट कर दे सकते हो? अच्छा ठीक है, ये ले लाओ। ये तो बहुत छोटा पीस है, थोड़ा बड़ा काट कर दो। ठीक है, ये ले। अरे इतना बड़ा नहीं। चलो शुरू करें। मैं बजाऊंगा बेस गिटार। और दोस्तों मैं बजाऊंगा ये पियानो। मैं हूँ शानदार ड्रमर। अरे वाह, अब हमारा बैंड पूरी तरह तैयार हो गया। लेकिन मसाओ, हम में से गाना कौन गाएगा? अरे ये तो हमने सोचा ही नहीं। हम नैनी को बुला लेते हैं। क्या नैनी को? हाँ गाना, गाना तो मुझे बहुत पसंद है। मुझे लगता है मुझे सिंगर बनना चाहिए और फिल्मों में गाना गाना चाहिए। देखना सबको मेरा गाना बहुत पसंद आएगा। अच्छा तो मैं तैयार हूँ, मगर बैंड बहुत अच्छा होना चाहिए और हम पॉप और मॉडर्न के साथ पुराने गाने भी गाएंगे। उसे मत बुलाओ, इसे रहने दो। हम चार जने ही ठीक हैं। सही कहा। चलो दोस्तों अपने बैंड का नाम रखते हैं। हाँ बिल्कुल, कोई अच्छा सा नाम होना चाहिए। क्या नाम रख सकते हैं? मेरे ख्याल से बैंड बनाने का आइडिया मेरा था, तो बैंड का नाम मेरे नाम पर होना चाहिए। शिनचैन तुम कोई अच्छा सा नाम बताओ। वो बताओ। पथरीला बैंड। वैसे मसाओ बैंड अच्छा नाम है। देखो कजामा रॉक बैंड भी अच्छा नाम है और ये नाम सुनने में म्यूजिकल लगता है। पथरीला बो, इसमें मैंने अपना नाम भी जोड़ दिया। कैसा लगा? जग चिप्स खाने वाली एक्शन का मेन ब्रदर्स। नहीं रहने दो, इस तरह तो हम नाम नहीं रख पाएंगे। ठीक है गाना गाकर फैसला करते हैं।
जो जीतेगा वही लीडर होगा और वही बैंड का नाम रखेगा। हाँ, इससे गाने की हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। हम पत्थर की तरह खूबसूरत गाने बनाएंगे। चलो शुरू करें। ठीक है। अरे कोई मेरी भी तो सुनो, मैं बैंड का लीडर हूँ। तो मैं गाने की शुरुआत करता हूँ। एक दिन आए मुझे चोको चिप्स का सपना, वो चाहते थे कि मैं उन्हें जल्दी टेस्ट करूं। अरे चोको चिप्स का गाना। लेकिन जब मैं उनके पास गया वो मुझसे दूर भाग गए। लेकिन जब मैंने उन्हें भागते हुए देखा मैं उनके पीछे भागा, क्योंकि मैं उन्हें कहना चाहता था, चोको चिप्स मुझसे दूर नहीं रह सकते क्योंकि मैं उनसे दूर नहीं रह सकता क्योंकि मैं उन्हें खाना चाहता। अरे नहीं, शिनचैन को बोलो कि अब ये बंद करे। शिनचैन बस करो, अब दूसरों को भी तो गाना गाने दो, तुम ही गाते रहोगे क्या? अब मेरी बारी है, मैं गाना शुरू करता हूँ। पत्थर 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 तुम हो बहुत सुंदर प्यारे पत्थर, मैं बन गया रॉक स्टार, 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 मैं बन गया रॉक स्टार। अरे ये तो गाए जा रहे हैं, मुझे भी तो गाने, मुझे क्यों नहीं गाने दे रहे? सब गाना गा रहे थे, बस मैं ही नहीं गा पाया। मेरा भी तो गाना गाने का मन कर रहा था, किसी ने गाने ही नहीं दिया। मैं तो सोच रहा था कि हम एक रॉक बैंड बनाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं घर आ गया। अरे ये यहाँ पर, कितने दिनों बाद देखा मैंने इसे। इसे देखकर यादें ताजा हो गईं। मुझे याद है ये गिटार मुझे मेरे एक दोस्त ने दिया था। मैंने अपनी पत्नी को कहा था कि मैं एक रॉक बैंड में हूँ, पर उसे क्या पता, मुझे तो ये गिटार बजाना आता ही नहीं। पर मैं एक दिन सीखूंगा जरूर, फिर सब लोग मुझे रॉकस्टार ही कहेंगे। डैड का सपना मैं जरूर पूरा करूंगा। आज मैं सेल्फ फुटबॉल की ट्रेनिंग लेगा। किसी जमाने में एक लड़का था जिसका नाम था सॉकर टारो। देखने में वो बिल्कुल एक फुटबॉल जैसा लगता था। उन्हीं दिनों उसके शहर में कुछ लोग आ गए जो वहाँ के लोगों को परेशान करने लगे। तब सॉकर टारो ने उन लोगों का मुकाबला करने का फैसला किया। तुम्हारा स्वागत है। कैसे हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है मसाओ। मुझे माफ करना, मैं मसाओ नहीं, मैं तो सॉकर टारो हूँ। ओह अच्छा, तो ये बात है। वैसे तुम तो मुझसे कोई बात करना चाहते थे। तुम्हारे पास ये जो बॉल्स हैं, इनमें से एक मुझे दे दो। लेकिन ये तो एक ही बॉल है, मैं नहीं दूंगा। बदले में तुम्हारी मदद करूंगा। क्या कहा? अच्छा तो तुम मेरी मदद करोगे, सच कह रहे हो? अगर तुम बॉल दोगे तो। ठीक है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझसे फुटबॉल में जीतना होगा। एक और बात, तुम्हें मेरा सपोर्टर भी बनना होगा। ओह, ये शर्त तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो बात बन गई। तुम तैयार हो? लेकिन मिस्टर डॉगी के कपड़े बहुत मोटे हैं, इसलिए वो तेज नहीं दौड़ पाएंगे। अरे वाह, मैं जीत गया। और इस तरह मिस्टर डॉगी उसकी मदद करने को तैयार हो गए। अब सॉकर टारो की मुलाकात मिस्टर बर्ड से हुई। कहाँ जा रहे हो मसाओ? वैसे मैं बताना चाहता हूँ कि मैं मसाओ नहीं हूँ, मैं हूँ सॉकर टारो। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ तो देखो, मैं कह रहा था कि। क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था कि जो तुम्हारे पास फुटबॉल है, क्या तुम वो मुझे दे सकते हो? बोलो बोलो। लेकिन मेरे पास एक ही है। ओ अच्छा, मैं तुम्हारी बात समझ गया। ठीक है तो फिर मिलेंगे। अरे अरे रुक जाओ मिस्टर बर्ड, रुक जाओ। सॉकर टारो ने उसे प्रतियोगिता के नियम बताए जो कि मिस्टर बर्ड को पसंद नहीं आए। लेकिन देखो, मैं तुम्हारी शर्तें नहीं मान सकता। अगर मैं तुम्हारी शर्तें मान लूं तो हर हालत में मुझे तुम्हारी मदद करनी ही पड़ेगी। अरे ये तो समझ गया। ये समझना तो आसान था। अगर मैं तुमसे जीत गया तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा और तुम अपनी बॉल मुझे दे दोगे। सॉकर टारो को ज्यादा से ज्यादा मदद की जरूरत थी, इसलिए वो उनकी बात मान गया। और उसके बाद ठीक है, बॉल मेरी हुई। तुम मेरी बॉल मत ले जाओ, मैं इस बॉल के बिना नहीं रह सकता। हाँ ये है सॉकर टारो की खास तकनीक, रोना शुरू कर दो। ठीक है, मैं तुम्हें ये बॉल वापस कर दूंगा। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो। लेकिन मुझे ट्यूशन जाना है। अब मिस्टर बर्ड भी सॉकर टारो की मदद करने के लिए तैयार हो गए थे। वो आगे जा रहे थे और वहाँ एक बड़ा सा पेड़ आ गया। हे, जरा सुनो तो, क्या तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है? हाँ, इस फल का क्या नाम है? अरे इसकी बात छोड़ो,
इसे देखो, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। देखो ये अच्छी बॉल है, तुम्हें मुकाबला करना चाहिए। ठीक है, मैं मुकाबले के लिए नीचे आ रहा हूँ। क्या तुम तैयार हो? तो ये बॉल मेरी हुई, मैं चलता हूँ। जरा मेरी बात सुनो, ये रो रहा है और तुम इसकी बॉल लेकर चले जाओगे? लेकिन मुकाबले से पहले तो यही कहा गया था, बॉल जीतने वाले की होगी। पर बॉल के बिना हम अच्छे खिलाड़ी नहीं बन पाएंगे। हाँ तुमने सही कहा, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। मेरी बात सुनो, तुम्हें इसके बारे में कुछ ना कुछ तो सोचना ही होगा। ठीक है, मैं तुम्हारे लीडर बनूंगा। और उसके बाद मिस्टर बंदर सॉकर टारो की मदद के लिए चल पड़े उस खतरनाक टापू की तरफ। हम उस टापू पर पहुंचने वाले हैं। हम यहाँ तक तो पहुंच गए, क्या हम अच्छे खिलाड़ी बन पाएंगे? अगर हार गए तो बॉल चली जाएगी। वो यहाँ पर नहीं है। क्या वो वापस चला गया? वो वहाँ है। मुझे डर लग रहा है, मैं किसी से कोई मुकाबला नहीं करना चाहता। यहाँ इतना कूड़ा पड़ा है। ये सच्चाई से भाग रहा है। हाँ, सही कहा। कैसे हो तुम लोग? क्या आप वही महान फुटबॉल प्लेयर हैं जिन्हें पूरी दुनिया जानती है? नहीं, मैं उससे भी कहीं बढ़कर हूँ। मैं हूँ दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल कोच। क्या फुटबॉल कोच? पर देखो, मैं यूं ही किसी को फुटबॉल नहीं सिखाता। वैसे मसाओ, तुम एक बहुत ही अच्छे लड़के हो। तुमने बीच पर से कूड़ा उठाने का अच्छा काम किया था। मैं सॉकर तारो हूँ, मैं सीखूंगा, और वो भी अकेले। फिर उस महान फुटबॉल प्लेयर के साथ सॉकर तारो ने अपनी ट्रेनिंग शुरू की। कुछ वक्त बाद सॉकर टारो ने मुकाबला करने का तरीका सीखा। उसे सोचने की शक्ति मिली, उसे गोल करने की शक्ति मिली, उसे सीखने की शक्ति मिली, उसे देखने की शक्ति मिली, गाने की शक्ति मिली और जीतने की शक्ति मिली। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब तुम कहीं भी मुकाबला कर सकते हो, मगर मसाओ मेरी बात ध्यान से सुनो। फुटबॉल खेलने के लिए 11 खिलाड़ी चाहिए होते हैं। ठीक है, तो अब मैं साउथ अफ्रीका जा रहा हूँ। जमकर खेलना और अपना ख्याल रखना। क्या मसाओ को नहीं पता था कि फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं? शायद नहीं। चलो वापस चलें। चलो चलते हैं। उसके बाद पता नहीं चला कि सॉकर टारो का क्या हुआ, पर कुछ लोग कहते हैं कि उसने टापू के लोगों को हरा दिया। बधाई, सॉकर टारो ने कर दिखाया। को चलना पड़ेगा 10,000 कदम। और उम्र है 35 साल, और उसके बाद ये क्या है डैड, बताइए। पेडोमीटर, इससे पता चल जाता है कि आप कितने कदम चले। पर आप अचानक इसे कैसे ले आए? ये असल में मेरे क्लाइंट का प्रोडक्ट है और उन्होंने मुझे इसे टेस्ट करने के लिए दिया, इसलिए मैं इसे ले आया। क्या मतलब? मुझे सोमवार तक 10,000 कदम चलने हैं और फिर उन्हें बताना है कि मुझे कैसा लगा। 10,000 कदम कितनी होती हैं? सुना है ऑफिस में काम करने वाले लोग दिन भर में 5,000 कदम ही चलते हैं, तो फिर आप एक दिन में 10,000 कदम कैसे चल पाएंगे? अरे मैं चल लूंगा। ओके, सेटिंग्स हो गई सारी। डैड मुझे भी ये देखना है। अच्छा ये लो, देख लो। इसको कैसे पहनते हैं? क्या इसे घड़ी की तरह पहनते हैं? अरे नहीं नहीं, उन्होंने कहा था कि इसे एक बार सेट करने के बाद फिर नहीं पहनना है। ऐसा क्यों? पता नहीं, बस उन्होंने ऐसा कहा था, मैंने तुम्हें बता दिया। ओ। लेकिन इतनी बड़ी चीज को कलाई पर पहनना तो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ वैसे आप सही कह रहे हैं। मैं इसे पैर पर बांधूंगा। पैर पे बांधने से इसको सॉक्स की बदबू आएगी। डैड तुमसे कितनी बार कहा है बेकार की बातें मत किया करो शिनचान। तो क्या इसमें से कोई आवाज भी आती है? आवाज? हाँ उन्होंने कहा तो था कि कोई आवाज आएगी इसमें से। अच्छा तो क्या इसमें से आवाज भी आती है? चलो मैं इसे बांध देता हूँ। ये चलने के बारे में आपको सारी जानकारियाँ दे देगा। अरे क्या कर रहे हो शिनचान? कहो कैसे हो हिरोशी? आज से मैं तुम्हारी सेहत का ख्याल रखूंगी, ठीक है? अरे ये क्या चीज है? ये तो काफी काम की मशीन है। मजाक मत उड़ाओ तुम मेरा मित्र से। मैं माफी चाहती हूँ। मुझे इसे उतार ही देना चाहिए। नहीं नहीं, 10,000 कदम चलने के बाद ही तुम मुझे उतार सकते हो।
इसे कैसे निकालना चाहिए? जब आप निर्धारित कदम तक चल लेंगे तो मशीन अपने आप खुल जाएगी, बस लाल बटन दबाना है। मतलब इसको निकालने के लिए आपको 10,000 कदम चलने पड़ेंगे। हैरी, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। आज संडे है। ओके, चलो शुरू करते हैं। आज हम 30 चलेंगे हिरोशी। मुझे नहीं पसंद कि ये मशीन बार बार मेरा नाम बुलाए। क्या ये मशीन इसी तरह हमेशा बोलेगी? हाँ, कभी कभी समझाने के लिए तो बोलेगी ही। कभी कभी। चलो चलो आगे बढ़ो, चलो चलो आगे बढ़ो। तुम्हें 10,000 कदम चलना है हिरोशी। हेलो, कैसे हो हिरोशी? हेलो हेलो। इससे तुम्हारा मोटापा कम हो जाएगा। अरे बस बस, बहुत हो गया तुम्हारा भाषण, चुप हो जाओ आप, परेशान हो गया हूँ मैं। अरे ये मशीन चुप क्यों नहीं हो रही है बेटा? ताकि ये आराम से चल सके। क्या हुआ हिरोशी? हाँ, इतनी जल्दी जल्दी रुकोगे तो सेहत नहीं बनेगी, समझे? पता है, इस तरह से मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है आपको चलते रहना चाहिए ताकि ये मशीन ज्यादा न बोले। जानता हूँ बेटा, चुप रहो तुम, अब सब समझा रहे हैं। डैड जल्दी आइए। चलते रहो हिरोशी, चलते रहो। अरे पार्क में तो मुझे बहुत ज्यादा चलना पड़ेगा, लेकिन 10,000 कदम के लिए तो बहुत चक्कर लगाने पड़ जाएंगे शिनचैन बेटा। आप कितने कदम चल चुके हैं? पता नहीं बेटा, मैंने तो गिना ही नहीं अब तक। 1523 कदम हुए हैं। अभी तो बहुत चलना है हिरोशी, तुम्हारे पास आराम करने का टाइम नहीं है। एक छोटी सी बात पूछी थी, इतना ज्यादा क्यों बोल रही है ये मशीन? शांत हो जाइए डैड, ये मशीन तो बस आपकी मदद कर रही है। पता है बेटा, लेकिन बहुत ज्यादा बोलती है ये। चलो शुरू करते हैं। चलो तुम भी मेरे साथ चलो शिनचैन। डैड, मैं और शिरो तो यहाँ पर खेल रहे हैं, आप अकेले ही चले जाइए, हम यहाँ आपका इंतजार करेंगे। बाद में नहीं खेल सकते क्या? अरे आप बहुत जल्दी जल्दी चल रही हैं डैड। जल्दी खत्म कर लूंगा, उसके बाद घर जाके आराम करूंगा। अगर आप इतनी तेज चलते रहे तो आपके पैरों में दर्द हो जाएगा। चिंता मत करो बेटा, कुछ नहीं होगा मुझे। बहुत अच्छे हिरोशी, तुम बहुत मेहनत कर रहे हो। अब ये मशीन ठीक से बात कर रही है। ध्यान से चलना, आगे लोग खड़े हैं। क्या कहा? परेशानी के लिए माफी चाहूंगा, समझ में नहीं आता कब चुप होगी ये मशीन। जरा थोड़ी देर रुक कर देखिए डैड। दो, एक, दो, एक, दो। ये तो शांत हो गई। फिर से चलिए जरा। ये तो बोल बोल कर आपकी हिम्मत बढ़ा रही है। हिम्मत बढ़ा रही है या परेशान कर रही है मुझे बार बार बोल के? ये पता नहीं ये चुप कैसे होगी। शायद इसकी आवाज बंद करने के लिए कोई सीक्रेट बटन हो। सीक्रेट बटन, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हो सकता है एक साथ दो बटन दबाने से इसकी आवाज बंद हो जाए डैड। मैं समझ गया बेटा, कोशिश करता हूँ। अरे हिरोशी, अब तुम आराम करना चाहते हो? तुम तो बहुत जल्दी थक गए। चुप हो जाओ। जरा नीले और लाल बटन को एक साथ दबाकर तो देखिए। ओके। तुम तो बहुत आराम करते हो, तुम्हारे लिए ये काम मुश्किल है। बात नहीं बनी। लाल और हरा ट्राई कीजिए। ठीक है, अब उठो और जल्दी से चलना शुरू करो। काम नहीं बना। लाल और पीला दबाइए डैड, ट्राई तो कीजिए। मैं तुम्हारे कदमों को फिर से सेट करती हूँ हिरोशी। अब ये क्या हो गया? शुरू करना होगा। गुड लक हिरोशी, चलो शुरू करो। अरे अरे रुक जाओ, मैं तो 4,000 कदम चल चुका था अब तक, उसका क्या होगा? अब तुम्हें तेजी से चलना है और जल्दी से 10,000 कदम पूरे करने होंगे। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। शाबाश हिरोशी, तुम कर लोगे, 10,000 कदम कर लोगे तुम हिरोशी, शाबाश। इतनी तेज चलने से तो इनके पैरों में दर्द हो जाएगा। बात तो सही है मॉम। बहुत बढ़िया, तुमने 5,000 कदम पूरे कर लिए हिरोशी। क्या बात है। मगर अभी 5,000 कदम और है, तुम्हें और चलना है। बहुत ज्यादा बोलती है ये मशीन। शाबाश हिरोशी, शाबाश, चलते रहो। आपकी तबीयत ठीक तो है ना हैरी? हाँ मैं ठीक हूँ मित्सी। वैसे आप कह तो रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता आप ठीक हैं। अभी तक तो आपके 10,000 कदम ही पूरे नहीं हुए। पता है मुझे। गुड मॉर्निंग हिरोशी, हम आज फिर कोशिश करेंगे। तुम अब 9,072 कदम पूरे कर चुके हो, तुम अपने लक्ष्य के काफी करीब हो। बस इतने से कदम? इतने तो मैं ऑफिस जाते जाते पूरे कर लूंगा मित्सी। तो ठीक है, चलता हूँ मैं। क्या आप ऐसा कर पाएंगे हैरी? हाँ मैं चल लूंगा। ध्यान से जाना, हिम्मत मत हारिएगा। हिरोशी क्या हुआ, थोड़ा
तेज चलो। कोशिश कर रहा हूँ मैं तेज चलने की। जब ये मशीन उतरेगी तो मैं इसे कहीं दूर फेंक दूंगा। ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। आ गई ट्रेन। लेट हो गया थोड़ा सा मैं। मुझे इसे ट्रेन में ऑफ कर लेना चाहिए था। अरे देखो तुम्हारा स्टेशन आ गया। बधाई हो, तुमने 10,000 कदम पूरे कर लिए हैं। तुम बहुत अच्छे हो हिरोशी, तुमने कर लिया। और अगर मुझे उतारना चाहते हो अभी तो लाल बटन दबाओ। इसी जगह पर 10,000 कदम पूरे होने थे क्या? जब तक तुम मुझे नहीं उतारोगे मैं तुमसे बातें करती रहूंगी। अरे मैं ऐसी हालत में बटन कैसे दबाऊंगा भला? 10,000 कदम पूरे कर लिए। अरे चुप हो जाओ बस। जब देखो तब शैतानी करता है ये मनमानी, फिर भी मम्मी पापा का है दुलारा। यही है राजा बेटा, हर पल करता ये दंगा, कर देगा उल्टी पुल्टी दुनिया सारी। करे वो ऐसी हरकते, हंसाए तुम्हें गुदगुदा के, कोई उसे क्या बोले, वो है शिंचर प्यारा। शिंचर शिंचर प्यारा प्यारा, शिंचर शिंचर प्यारा प्यारा, शिंचर है।